हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 7 कंपनी लेखे अंशों का निर्गमन कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स। इस वीडियो में हम शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स देखेंगे। 11th क्लास में चैप्टर नंबर 8 बिजनेस स्टडीज़ में हमने पढ़ा था सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, व्यापारिक वित्त के स्रोत। उसमें हम ऑलरेडी ये टॉपिक्स स्टडी कर चुके हैं, सो आपको रिवाइज हो जाएगा एक बार और। तो स्टार्ट करते हैं विद अंश यानी शेयर्स। शेयर्स अंश की अगर हम मीनिंग की बात करें तो किसी भी कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो एक फिक्स अमाउंट के छोटे छोटे पार्ट्स में या यूनिट्स में डिवाइडेड होती है। एंड ईच एंड एवरी यूनिट और पार्ट इन विच कैपिटल ऑफ अ कंपनी डिवाइडेड इज कॉल्ड एज शेयर्स। ठीक है, शेयर्स वो यूनिट है जिसमें एक कंपनी की टोटल कैपिटल डिवाइडेड होती है। सो अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स को फाइंड आउट करना चाहें, नंबर ऑफ शेयर्स को या शेयर्स का प्राइस, पर शेयर प्राइस अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, तो फॉर दैट एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रही हूँ। प्रति अंश मूल्य इज इक्वल्स टू कुल पूंजी डिवाइडेड बाय अंशों की कुल संख्या। प्राइस पर शेयर इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल शेयर्स। ओके, तो ये तो था अंश यानी शेयर्स का मीनिंग। नेक्स्ट है अंशों की प्रकृति और नेचर ऑफ शेयर्स। हर एक कंपनी जो है उसकी शेयर कैपिटल दूसरे इंस्टीट्यूशन या दूसरे कंपनी से डिफरेंट होती है। डिपेंड करता है शेयर की नेचर पर। हम देख लेते हैं क्या प्रकृति है इसकी, क्या नेचर है शेयर्स का। तो फर्स्ट पॉइंट है चल संपत्ति। शेयर्स जो हैं कंपनी के, ये चल संपत्ति यानी एसेट्स के रूप में होती है। इनमें इन्हें एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सेकंड है न्यूनतम इकाई यानी शेयर्स जो हैं कंपनी की टोटल कैपिटल की सबसे मिनिमम यूनिट है। इससे ज़्यादा किसी शेयर का पार्टीशन या पार्ट नहीं किया जा सकता है। ओके, देन विस्तृत रूप से जारी होना, इशूइंग ऑन अ लार्ज स्केल। एक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं यानी जो शेयर्स परचेस करते हैं वो बहुत सारे होते हैं। यानी एक कंपनी के मैक्सिमम शेयर होल्डर्स कितने होते हैं, हो सकते हैं जितने की शेयर्स एक कंपनी ने इशू किए हों। ओके, एंड इवन ये शेयर होल्डर ज़रूरी नहीं है कि सिटी में हो, सिटी या स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी शेयर होल्डर्स जो हैं वो डिवाइडेड होते हैं, बटे हुए होते हैं, बसे हुए होते हैं। नेक्स्ट है माल या वस्तु के रूप में, जस्ट लाइक गुड्स। शेयर्स जो हैं इन्हें वस्तु या माल या गुड्स के तौर पे माना जाता है बिकॉज इनका परचेजिंग एंड सेलिंग होता है रेगुलर बेसिस पर, ट्रेडिंग होती है इनकी। ठीक है, गिरवी रखना या मॉर्टगेज, शेयर्स को मॉर्टगेज पे रखा जा सकता है। इवन शेयर्स को जैसे वसीयत करते हैं लेगसी में भी इसमें इसको इन्वॉल्व किया जा सकता है। कानूनी नियंत्रण, लीगल कंट्रोल, कंपनी के थ्रू इशू किए गए शेयर्स जो है वो कंपनीज एक्ट के थ्रू कंट्रोल होते हैं। ओके, नाउ अंशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ शेयर्स। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी जो है वो ओनली टू टाइप्स के शेयर्स इशू कर सकती हैं। फर्स्ट वन इज समता या साधारण अंश, इक्विटी और ऑर्डिनरी शेयर्स। अनादर वन इज पूर्वाधिकार या अधिमान अंश यानि प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, ये तो थे नेम्स। अब हम इन दोनों ही पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं, इन दोनों के मीनिंग्स को। ठीक है,
फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे समता अंश यानी इक्विटी शेयर्स से। समता अंश या इक्विटी शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स आर दैट शेयर्स जो कि ऐसे शेयर्स होते हैं वो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिवाइड करने के बाद में मिलता है। इवन इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं भी दिया जाए तो भी कोई बात नहीं, यानी इन्हें डिविडेंड प्रोवाइड करना कंपलसरी नहीं होता है, ना ही इनको डिविडेंड का जो रेट प्रोवाइड किया जाता है ऐसा कोई रेट भी फिक्स नहीं होता है। इवन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उन्हें उनकी कैपिटल पहले रिटर्न की जाती है, आफ्टर दैट जो अमाउंट रिमेनिंग बचता है उससे इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल जो है वो रिटर्न की जाती है। मेनली वी कैन से दैट जो ये समता अंशधारी होते हैं यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द बिजनेस बिकॉज ये ही रियल रिस्क जो है उसे बियर करते हैं। ओके तो ये तो थे इक्विटी शेयर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रेफरेंशियल शेयर्स जो हैं कंपनी के, वो ऑब्वियसली नेम से ही थोड़ा समझ में आना चाहिए कि कुछ प्रेफरेंस मिलता होगा इनको डेफिनेटली। ओके सो जैसे कि हमारे जो इक्विटी शेयर्स थे वो जनरल शेयर्स थे, तो प्रेफरेंशियल शेयर्स जो हैं वो स्पेशल शेयर्स होते हैं। ये शेयर कैपिटल का वो पार्ट होता है जिन पर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को कुछ स्पेशल प्रेफरेंसेस प्रोवाइडेड होते हैं। एंड जैसा कि इनका जो डिविडेंड रहता है, डिविडेंड का रेट जनरली फिक्स होता है, किस रेट से इनको डिविडेंड प्रोवाइड किया जाएगा ये चीज़ ऑलरेडी फिक्स होता है और कंपनी के आर्टिकल्स में नोटेड रहता है, डिफाइंड रहता है। इसके अलावा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को उनके कैपिटल रिटर्न करने में प्रेफरेंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है तो ये जो शेयर्स हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स इनमें इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स दोनों की क्वालिटी इंक्लूडेड रहती है। ओके तो ये था मीनिंग। नेक्स्ट थिंग पूर्वाधिकार के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स। फर्स्ट टाइप है शोध्य पूर्वाधिकार अंश या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इन्हें एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रीपेमेंट करना पड़ता है। ठीक है जब इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया जाता है इवन एट दैट टाइम ही ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इनका रिडम्पशन या रीपेमेंट किस टाइम पे किया जाएगा। नेक्स्ट होते हैं अशोध्य पूर्वाधिकार अंश यानी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दिस काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट रीपेबल इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, यानी इन शेयर्स को कंपनी के लाइफ टाइम तक रीपे करने का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की नहीं होती। इस टाइप के शेयर्स जो हैं ये कंपनी के परमानेंट कैपिटल को रेज करने के लिए इशू किए जाते हैं। ओके बट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में कोई भी कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। ओके नेक्स्ट है इसके बाद संचयी पूर्वाधिकार अंश यानी एक्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। दिस शेयर्स आर ऑफ विच टाइप दैट इसका जो अनपेड अमाउंट होता है डिविडेंड का वो एक्यूमुलेट होता है, यानी मान लो किसी साल किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर कंपनी डिविडेंड का अमाउंट पे करने में अनेबल रहती है तो इन दैट केस वो जो डिविडेंड का अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर में पे किया जाता है, यानी जो अनपेड डिविडेंड है वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, संचय होते जाते हैं और उनका भुगतान जो है पेमेंट जो है वो आने वाले ईयर्स में कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद असंचयी पूर्वाधिकार अंश यानी नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स।
ये वो शेयर्स होते हैं जिन पे डिविडेंड का एरियर जो है वो एक्युमुलेट नहीं होता है। यानी अगर किसी टाइम किसी ईयर कंपनी डिविडेंड पे करने की पोजीशन में नहीं है तो कंपनी जो है कंपनी पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कि वो नेक्स्ट ईयर में वो वाला डिविडेंड भी पे करे। ठीक है, तो कंपनी को बकाया या ड्यू डिविडेंड पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी पे नहीं रहती है इस टाइप के प्रेफरेंशियल शेयर्स के कंडीशन में। नेक्स्ट है इसके बाद परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। इस टाइप के शेयर्स के जो होल्डर्स हैं वो अपने प्रेफरेंशियल शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इन बिटवीन एनी स्पेसिफिक ड्यूरेशन या आफ्टर अ फिक्स पीरियड। ओके, यानी अगर वो चाहे तो उनको ये राइट होता है कि वो अपने प्रेफरेंशियल शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लें। नेक्स्ट है अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। दिस काइंड ऑफ शेयर्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, यानी इन शेयर्स को पूर्वाधिकारी अंशधारी समता अंशों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ऐसा उन्हें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है भागग्राही पूर्वाधिकार अंश या पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इस टाइप के जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, मान लो किसी ईयर में प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हुआ है, कंपनी को सुपर प्रॉफिट अर्न हुआ है, तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होने के कंडीशन में भागग्राही पूर्वाधिकार अंश यानी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड के अलावा एक्स्ट्रा एक्सेस प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अभागग्राही पूर्वाधिकार अंश यानी नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। दिस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन गेटिंग शेयर्स इन द सरप्लस प्रॉफिट। यानी इस टाइप के जो शेयर होल्डर्स होते हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने की कंडीशन में सरप्लस प्रॉफिट इन्हें प्रोवाइड नहीं किया जाता है, यानी इनका जो फिक्स डिविडेंड है वही इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट इज प्रत्याभूतित पूर्वाधिकार अंश यानी गारंटीड प्रेफरेंस शेयर्स। गारंटीड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं इनको एक फिक्स डिविडेंड का पेमेंट करने की गारंटी प्रोवाइड की जाती है। ओके, यानी इन्हें गारंटी दी जाती है एक फिक्स परसेंट डिविडेंड जो है इन्हें हर साल प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, इवन आफ्टर इफ कंपनी इज नॉट अर्निंग सफिशियंट प्रॉफिट बट स्टिल कंपनी विल प्रोवाइड दैट गारंटीड डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट है अप्रत्याभूतित पूर्वाधिकार अंश यानी नॉन गारंटीड प्रेफरेंस शेयर्स। ये जो शेयर होल्डर्स हैं इन्हें किसी टाइप की कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं की जाती है। ठीक है, अगर सफिशियंट प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो डिविडेंड प्रोवाइड होगा, इफ नॉट देन नहीं प्रोवाइड होगा। ओके, तो ये थे सारे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा समतांश तथा पूर्वाधिकार अंश में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स। सो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं हम। समतांश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर का फर्स्ट पॉइंट, लाभांश की दर, रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती, चेंज होता रहता है इनका डिविडेंड, जबकि रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशियंट प्रॉफिट, बिकॉज सबसे पहले तो डिबेंचर होल्डर्स को उनके इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है, आफ्टर दैट जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है फिक्स रेट से, आफ्टर दैट अगर रिमेनिंग बचता है प्रॉफिट तो फिर वो प्रोवाइड किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। देन नेक्स्ट है लाभांश की निश्चितता, सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न।
इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड पर ईयर देना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट एंड डिपेंड्स ऑन डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स उन लोगों पे डिपेंड करता है कि वो कितना देते हैं या नहीं देते हैं। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं इसमें डिविडेंड मोस्टली सर्टेन रहता है, ठीक है। यानी अगर प्रॉफिट सफिशियंट है और सारे मतलब पेमेंट हो जाने के बाद भी सफिशियंट प्रॉफिट अगर है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड दिया ही जाता है प्रेफरेंस के साथ। द नेक्स्ट थिंग, पूंजी की प्राप्ति यानी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर्स जो शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको कंपनी के वाइंड अप के कंडीशन में सबसे लास्ट में रिमेनिंग बची हुई जो अमाउंट होती है वो मिलती है, ठीक है। एंड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले उनकी कैपिटल मिल जाती है। नाम से ही क्लियर होना चाहिए पूर्वाधिकार अंश है, यानी इन्हें प्रेफरेंस प्रोवाइडेड है हर चीज़ में, डिविडेंड में प्रेफरेंस, देन कैपिटल के रीपेमेंट में प्रेफरेंस। तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस उनको मिलता है एंड आफ्टर दैट बचा हुआ अमाउंट जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाता है। नेक्स्ट है शोधन यानि रिडम्पशन। इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन कंपनी के लाइफ टाइम में नहीं होता है, यानि ये जो कैपिटल है ये कंपनी के लिए परमानेंट कैपिटल होती है फुल्ली। जबकि अगर प्रेफरेंस शेयर की हम बात करें तो इनका रिडम्पशन कंपनी के लाइफ टाइम में किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद वोटिंग राइट्स यानि मताधिकार। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी के सारे मामलों में, सारे मैटर्स में जनरली वोट करने का राइट रहता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ओनली उन्हीं मैटर्स में वोट डालने का राइट रहता है जो कि उनके पर्टिकुलर इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद इन्वेस्टर्स यानि विनियोक्ता। इक्विटी शेयर्स में जनरली वो लोग मनी इन्वेस्ट करते हैं जिनका जो आउटलुक है वो बिजनेस के अकॉर्डिंग रहता है। जो हाई रिटर्न है वो इन्वेस्टर्स इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स तो वो इन्वेस्टर्स जो कि रेगुलर इनकम चाहते हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स में मनी इन्वेस्ट करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट रिस्क यानि जोखिम। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो हाई रिस्क बियर करते हैं एंड ऑब्वियसली हाई रिस्क बियर कर रहे हैं बिकॉज उन्हें डिविडेंड भी सबसे लास्ट में मिलना है एंड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी कैपिटल भी सबसे लास्ट में ही मिलना है। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स इनमें रिस्क जो है वो कम होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे डिफरेंसेस।